फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जूहीज कॉर्नर। और मैं हूँ जूही। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप सबों के लिए लेकर आई हूँ आम की खट्टी मीठी अचार की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। जनरली इस अचार को बनाने में 6 से 7 दिन लगते हैं, लेकिन मैं जो विधि आप लोगों के लिए लेके आई हूँ उसे बनाने में आधे घंटे लगेंगे। आइए देखते हैं अचार बनाने के लिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। ये 1 kg आम, जिसके मैंने छिलके उतार के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये 1 kg चीनी, ध्यान रहे चीनी और आम की मात्रा बराबर होनी चाहिए। ये 2 tablespoon धनिया, 2 tablespoon जीरा, 2 tablespoon सौंफ, 1 tablespoon मेथी, 1 tablespoon ब्लैक पेपर, 4-5 मिर्च, 1 tablespoon नमक। ये मैंने लिया है 1 तपेली, डालूंगी आम को। अब इसमें डालूंगी चीनी। अब इसमें मैं नमक ऐड करती हूँ। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स करके 7 से 8 घंटे के लिए रख दूंगी। 8 घंटे हो गए हैं, हमारी चीनी पूरी तरह से घुल गई है। अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे और इसे पकाएंगे। मीडियम हाई फ्लेम पे इसे पकाना शुरू करते हैं। तो हमारी चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है, लेकिन अभी इसे और पकाएंगे, अभी चाशनी और गाढ़ी होगी। तो देखिए दोस्तों, ये धीरे धीरे अपने कलर में आ रही है, ये ब्राउन हो चुका है। थोड़ी और पकाएंगे, ये और पकेगी। ये खट्टी मीठी अचार बन के तैयार हो चुकी है। अब हम फ्लेम को ऑफ करते हैं। इसे ठंडे होने के लिए हम कुछ देर तक छोड़ेंगे और अभी इसका मसाला तैयार कर लेंगे। ये दोस्तों, सभी मसालों को हमने एक साथ मिक्स कर लिया है। इसे 5 मिनट तक भून लेंगे। जब ये अच्छी तरह से भून जाए तो इसे हम मिक्सी में रख के पाउडर बना लेंगे। भुने हुए मसाले को हमने पीस के तैयार कर लिया है। ये भी ठंडी हो गई है। अब इसमें हम मसाले को ऐड करेंगे, चलाएंगे। दोस्तों, हमारी आम की खट्टी मीठी अचार बनके तैयार हो चुकी है। बीच बीच में इसे धूप में भी रखते रहेंगे ताकि आम अधिक से अधिक दिनों तक चले, आप इसका आनंद पूरे साल तक लेते रहें। आम की खट्टी मीठी अचार बनके तैयार है। हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से आगे मिलती हूँ एक